सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो अवेंजर्स की पहली मूवी के साथ जो सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रॉपरली सेटअप हुआ था वो एंड गेम के खत्म हो जाने के साथ या फिर इन्फिनिटी सागा के एंड हो जाने के साथ एक बहुत ही बड़े यूनिवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। और अब तक की स्टोरी का मेन फोकस तो हमारे इनिशियल अवेंजर्स ही थे, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकआई जैसे कैरेक्टर्स। पर साथ में इस यूनिवर्स ने कहीं नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारे धीरे धीरे फेवरेट बन गए, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन। और अब मार्वल अपने नेक्स्ट सागा में अपने फेज 4 में एंटर करने वाला है। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगा था कि आयरन मैन और कैप जैसे कैरेक्टर्स के बिना ये कमी कभी फिल आउट नहीं हो पाएगी, पर मार्वल ने अपनी शैंगची मूवी को रिलीज करके इस चीज को प्रूव कर दिया कि मार्वल और भी कई नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को और भी एपिक बनाने वाले है। ऐसे कई सारे क्रेजी पावरफुल कैरेक्टर्स जिनका ओरिजिन भी काफी जरा डीप है, और मार्वल ने ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स प्लान भी किए हैं जो कि अपनी नेक्स्ट मूवीज में वो इंक्लूड करेगा। और ऐसे ही 15 कैरेक्टर्स के बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हम जानेंगे कि ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये कब इंट्रोड्यूस होंगे, इनका ओरिजिन शॉट में क्या है और भी कहीं सारी चीजें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने ऐसे कैरेक्टर्स को नहीं लिया है जो कि ऑलरेडी मार्वल की मूवीज में सुपर हीरोज हमें दिख चुके हैं। मैंने बस ऐसे कैरेक्टर्स को लिया है जो कि फ्यूचर में हमें दिखने वाले हैं, जो कि मार्वल के नेक्स्ट सागा में मार्वल की स्टोरी लाइन को लीड करेंगे। कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो कि बिल्कुल फ्रेश है। मैंने विलन्स को भी नहीं लिया है, साइड कैरेक्टर्स को भी नहीं लिया है। और हाँ, ऐसे ही सुपर हीरोज को लिया है जिनकी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के नाम के टाइटल्स तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, उनके ऊपर सीरीज और मूवीज प्लान हो चुकी है। और हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को तो ऑलरेडी हम ट्रेलर्स में भी देख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 1, शैंगची। तो शैंगची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मार्वल के नेक्स्ट फेज की सबसे पहली मूवी थी। और हाँ, शैंगची कॉमिक में ऐसा कोई पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है, तो मुझे इस मूवी को लेकर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तब मुझे शैंगची के कैरेक्टर को लेकर ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, पर मार्वल ने जिस तरीके से शैंगची की मूवी को बनाया है, पूरी एक्शन से भरी हुई जो कि एक बिल्कुल नए एरिया को एक्सप्लोर करती है, वो भी मार्वल की थीम को मेनटेन करते हुए, वो काफ़ी अच्छा था। और अगर आपने अभी तक शैंगची मूवी नहीं देखी तो आई वुड रियली सजेस्ट कि अभी जाइए और थिएटर्स में शैंगची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स देखिए, क्योंकि इसके मिड क्रेडिट सीन में जिस तरीके से शैंगची का इंटरेक्शन कैप्टन मार्वल और हल्क और वॉन्ग के साथ हुआ है, और हाँ, इसी के साथ साथ मार्वल ने शैंगची को न्यूएस्ट अवेंजर डिक्लेयर किया है, तो ये चीज़ मेक श्योर करती है कि शैंगची आने वाली मूवीज में अवेंजर्स की टीम का भी पार्ट होने वाला है। तो शैंगची की स्टोरी अभी तो काफ़ी लंबी है और इस कैरेक्टर की जर्नी देखने में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। नंबर 2, ब्लैक नाइट एंड सर्सी। तो इटर्नल्स के ट्रेलर में आपने सर्सी के कैरेक्टर को तो नोटिस किया ही होगा। हम ट्रेलर में ही सर्सी को नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, अपने मैजिक का यूज़ करते हुए और लोगों से बात करते हुए देख सकते हैं। पर आपको ये पता नहीं होगा कि ब्लैक नाइट नाम का एक कैरेक्टर भी इस मूवी का पार्ट होने वाला है, वही कैरेक्टर जिसे सर्सी बात कर रही है और उसे किट हैरिंगटन प्ले करने वाले है। और अब तक इस कैरेक्टर को अपने सुपर हीरो फॉर्म में ट्रेलर में या फिर किसी और जगह पे नहीं दिखाया गया, पर ये सुपर हीरो काफी ज्यादा औसम है। और इटर्नल्स की मूवी के बाद बाकी इटर्नल्स के कंपेयर में सर्सी और ब्लैक नाइट हमें मार्वल की नेक्स्ट मूवीज में ज्यादा अपेयर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर एक कपल है जो कि काफी लंबे टाइम तक अवेंजर्स की टीम का पार्ट भी रह चुके हैं। सर्सी की मैजिकल पावर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, पर ब्लैक नाइट की पावर्स के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ब्लैक नाइट के पास अबोनी ब्लेड नाम की एक स्वॉर्ड होती है जो कि काफी यूनिक पावर को कंटेन करती है। उसकी पावर ये है कि उसे वील्ड करने वाला जो इंसान होता है वो जितना ज्यादा अनवर्दी होता है वो ब्लेड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। तो इतने कूल कैरेक्टर को मार्वल की नेक्स्ट मूवीज में देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। और हाँ, ब्लैक नाइट मार्वल की कॉमिक्स का भी एक पॉपुलर कैरेक्टर है, और अब तक तो हमें ब्लैक नाइट को अपनी सुपर हीरो पावर्स के साथ नहीं दिखाया गया, तो ऐसा हो सकता है कि इटर्नल्स मूवी में उसे पावर्स मिले, यानी कि उसके ओरिजिन को हमें इटर्नल्स मूवी में दिखाया जाए और फिर जाके मार्वल इस कैरेक्टर को लेकर कोई सोलो मूवी या फिर सीरीज अनाउंस कर सकता है। नंबर 3, इकारिस। तो इस लिस्ट में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इन कैरेक्टर्स को उसी ऑर्डर में बताऊं जिस ऑर्डर में ये कैरेक्टर्स हम एमसीयू को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। और हमने बात की इटर्नल्स की, सर्सी और ब्लैक नाइट की, तो चलिए बात करते हैं इकारिस की, क्योंकि इटर्नल्स के ट्रेलर में इकारिस ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, और इस कैरेक्टर को एक तरीके से आप मार्वल का सुपरमैन भी कह सकते हैं।
पर यहाँ पे टीजर में हमें इकारिस के कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया गया है उससे बिल्कुल डिफरेंट पोर्ट्रे किया जा सकता है, क्योंकि इटर्नल्स के डायरेक्टर ने भी ये कहा था कि इस मूवी में आपको होमलैंडर की झलक देखने को मिलेगी। हाँ, वही होमलैंडर जो कि द बॉयज में हमें दिखा था, यानी कि सुपरमैन का एविल वर्जन। तो ऐसे लीक्स आए हैं कि इस मूवी में इटर्नल्स के बीच में भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां पे इकारिस बाद में एजैक को मार देगा और फिर अपने गिल्ट में वो वहां से चला जाएगा। तो इन शॉर्ट वो एक एंटी हीरो बन जाएगा, इसकी वजह से इकारिस और सर्सी में प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वो दोनों एक कपल है और फिर सर्सी ब्लैक नाइट के ज़्यादा क्लोज जाएगी। तो स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेट्स सी हमें क्या दिखाया जाता है। नंबर 4, मिस मार्वल। तो साउथ एशियन ओरिजिन की ऐसी पहले कैरेक्टर जो कि एमसीयू का एज अ सुपर हीरो ज्वाइन करने वाली है, पाकिस्तानी कमाला खान यानी कि मिस मार्वल। मिस मार्वल के पास अपनी इलास्टिक पावर्स है जो कि उसे टेरिजन मिस से मिली है। ये कैरेक्टर कूल है, कॉमिक्स में बिल्कुल नया कैरेक्टर है और एक कैप्टन मार्वल की फैन गर्ल भी है। और इस कैरेक्टर को लेकर ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुके हैं। पहला तो मिस मार्वल की खुद की एक सीरीज है और फिर ये कैरेक्टर हमें मार्वल की मूवी द मार्वल्स में दिखने वाली है। तो द मार्वल्स में इस कैरेक्टर को कैप्टन मार्वल के साथ टीम अप करते हुए देखने में मजा आएगा। इसी के साथ साथ मिस मार्वल की सीरीज की शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके सेट फोटोज में आप इस कैरेक्टर का क्लियर लुक देख सकते हैं। और एक इंडियन ओरिजिन कैरेक्टर है, एक पाकिस्तानी ओरिजिन कैरेक्टर, तो काफी सारे इंडियन एक्टर भी इस शो में हमें दिखने वाले हैं, तो मजा तो काफी आएगा। नंबर 5, मून नाइट। तो डीसी का बैटमैन जो कि पूरे सुपर हीरो जॉनरा के सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और अब मार्वल ने एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर सीरीज अनाउंस की है जिसे बैटमैन की कॉपी करके बनाया गया था, यानी कि डार्क नाइट की कॉपी मून नाइट। मून नाइट मार्क स्पेक्टर नाम का एक आदमी होता है जिसे कुछ अपने ही लोग धोखा देते हैं जब वो इजिप्ट पे एक मिशन पे होता है। फिर घायल मार्क स्पेक्टर को वहाँ के कुछ ट्राइबल्स अपने इजिप्शियन मून गॉड कॉन्शु के पास ले जाते हैं, जिस गॉड की पावर्स की मदद से उसे अपनी लाइफ वापस मिलती है। वो अपने वेंजेंस को कंप्लीट करता है, फिर वो न्यूयॉर्क आके पैसा कमाता है, अपने लिए वेपन्स को भी डिजाइन करवाता है ठीक बैटमैन की तरह। तो एक कैरेक्टर बिल्कुल बैटमैन की रेप्लिका है और इसे प्ले करने वाला है काफी फेमस एक्टर ऑस्कर आइजैक। तो ये सीरीज भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। इसकी शूटिंग भी काफी हद तक हो चुकी है और इसके सेट फोटोज भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 6, शी हल्क। तो मार्वल एक नए एवेंजर्स की टीम बना रहा है जहाँ पे हमारे पुराने एवेंजर्स को भी कोई ना कोई और कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका को फैल्कन करने वाला है। ठीक इसी तरीके से मार्वल हल्क के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाएगा शी हल्क के पास। शी हल्क के कैरेक्टर को लेकर एक सीरीज अनाउंस हो चुकी है और उसके बाद ये कैरेक्टर अवेंजर्स को ज्वाइन कर सकता है। शी हल्क की सीरीज में हमें हमारा पुराना हल्क यानी कि मार्क रफेलो का ब्रूस बैनर भी दिखेगा। हमें वहां पर शायद अबोमिनेशन एज विलन दिख सकता है, रेड हल्क भी देखने को मिल सकता है, ऐसी कहीं सारी पॉसिबिलिटीज है। शी हल्क का रियल नेम जेनिफर वॉल्टर्स होता है जो कि ब्रूस बैनर की कजिन होती है, और एक एक्सीडेंट के दौरान ब्रूस को उसे अपना खून देना पड़ता है जिसकी वजह से उसके पास भी हल्क की पावर्स आ जाती है। और शैंगची के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि ब्रूस बैनर वापस से हल्क में से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये कैसे हुआ ये भी शायद हमें शी हल्क की सीरीज में ही एक्सप्लेन किया जाएगा। और शी हल्क का ओरिजिन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो देखते हैं कि मार्वल इस सीरीज को भी कितना इंटरेस्टिंग कर सकता है। नंबर 7, घोस्ट राइडर। तो मार्वल हमारे पुराने एवेंजर्स को रिप्लेस करके एक नए एवेंजर्स की टीम बना रहा है। एट द सेम टाइम वो मिस मार्वल जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके यंग एवेंजर्स की टीम का बेस भी बनाने में लगा हुआ है। तो साथ साथ मार्वल एक मिस्टिकल अवेंजर्स टाइप टीम भी डेवलप कर रहा है, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मून नाइट और ब्लेड जैसे कैरेक्टर्स होंगे, और साथ में हो सकता है हमारा फेवरेट घोस्ट राइडर। और यहाँ पे मुझे घोस्ट राइडर का या फिर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का ओरिजिन बताने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी इस कैरेक्टर को लेकर सोनी की 2 मूवीज देख चुके हैं। हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी घोस्ट राइडर देखने को मिला था, हालांकि वो रॉबी रेस का घोस्ट राइडर था, पर अब ये सीरीज भी एमसीयू में कैनन नहीं होती। तो रूमर्स और रिव्यूज तो ये कहते हैं कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में घोस्ट राइडर देखने को मिलेगा, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप करता हुआ। और फिर आगे जाके इस कैरेक्टर को लेकर मार्वल में मूवीज या फिर शोज भी अनाउंस हो सकते हैं। तो ये रिवील्स मानना तो काफी मुश्किल है, पर हाँ अगर ये चीजें सही होती है तो एक काफी लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू होगा कि घोस्ट राइडर को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप करते देखना या फिर उसे अवेंजर्स को ज्वाइन करते हुए देखना। नंबर 8, अमेरिकन शेवेस। तो अमेरिकन शेवेस डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगी, इस चीज के कंफर्मेशन अब आने लगे है। और इस कैरेक्टर के ओरिजिन को देखकर ये बात ऑब्वियस भी है।
अमेरिकन शेवेस एक अल्टरनेट या फिर पैरेलल यूनिवर्स से होती है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इस डिस्ट्रक्शन के बीच उसकी मदर उसे किसी और यूनिवर्स में भेज देती है जो कि मार्वल का मेन यूनिवर्स होता है, और उसके इसी ओरिजिन की वजह से वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगी। और आई एम श्योर कि इस मूवी के बाद उसका अपीयरेंस होगा किसी और यंग एवेंजर्स की मूवी में, जहाँ पे उसका टीम अप दूसरे यंग एवेंजर्स के साथ होगा जैसे कि कमाला खान, और ये कैरेक्टर काफी पावरफुल है तो उसका अपीयरेंस जब भी होगा वो एक्शन से भरा हुआ होगा। नंबर 9, जेन फॉस्टर। तो जेन फॉस्टर हमें पहले भी मार्वल की मूवीज में दिख चुकी है, थॉर की फर्स्ट मूवी में, थॉर द डार्क वर्ल्ड में, और इवन एंड गेम में, पर अब तक वो हमें अपने सुपर हीरो फॉर्म में नहीं दिखी, यानी कि माइटी थॉर के फॉर्म में। कॉमिक्स में वो मेयोनियर को वील्ड कर चुकी है, उसके लिए वर्दी बन चुकी है, और जब थॉर अनवर्दी था तब उसने ही लेडी थॉर बन के एवेंजर्स को ज्वाइन किया था, और ऐसा ही कुछ हमें दिखने वाला है थॉर की अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर में, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वर्डेटी ने कॉमिक कॉन के दौरान जेन फॉस्टर की एक्ट्रेस नेटली पोर्टमैन के हाथ में मेयोनियर दिया था, और ये भी कंफर्म किया था कि थॉर लव एंड थंडर मूवी का टाइटल जो है उसमें लव वर्ड जेन फॉस्टर की माइटी थॉर बनने की जर्नी को ही रिप्रेजेंट करता है। और कुछ लोग जेन फॉस्टर के माइटी थॉर के कैरेक्टर को लेकर और इवन शी हल्क के कैरेक्टर को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स थॉर और हल्क को रिप्लेस करेंगे, और ये बात सही भी है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर उन्हें इस कैरेक्टर को दिखाना है तो उन्हें थॉर को डिग्रेड नहीं करना होगा, क्योंकि हमें थॉर को भी अपने फुल पोटेंशियल में देखना है, और अगर उसके साथ साथ जेन फॉस्टर भी हो अपने हाथ में मेयोनियर लेकर तो वो थॉर फैंस के लिए एक ट्रीट जैसा होगा। नंबर 10, हरक्यूलिस। तो थॉर लव एंड थंडर मूवी से जेन फॉस्टर के अलावा मार्वल कॉमिक्स का एक और पावरफुल और पॉपुलर सुपर हीरो है जो कि एमसीयू को ज्वाइन कर सकता है, और वो सुपर हीरो है हरक्यूलिस। क्योंकि ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से लीक भी आए थे कि इस मूवी में हमें हरक्यूलिस दिखेगा, ऐसे रूमर्स भी थे, क्योंकि इस मूवी का विलन गॉर द गॉड बुचर गॉड्स को हंट करता है, तो और भी कहीं सारे गॉड्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर तो न्यूज़ भी आने लगे, जैसे कि एक एक्टर ने रिवील किया कि वो ज्यूस का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि हरक्यूलिस के फादर का। फिर ऐसे न्यूज़ आए कि मार्वल शायद हेनरी कैविल को अप्रोच कर रहा है हरक्यूलिस के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो ऐसे कहीं सारे इनडायरेक्ट कन्फर्मेशन मिलने लगे हैं। और हाँ, हरक्यूलिस का कैरेक्टर काफ़ी ऑसम है, वो बिल्कुल हल्क और थॉर की तरह ही अवेंजर्स का फ्यूचर का पावर हाउस बन सकता है, तो मैं भी इस कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। नंबर 11, एडम वॉरलॉक। तो आप सबको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का वो एंड क्रेडिट सीन याद ही होगा, जहाँ पे एक ककून में एडम वॉरलॉक को प्रिपेयर किया जा रहा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसे बर्थ दिया जा रहा था। और एडम वॉरलॉक की यही स्टोरी कंटिन्यू होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, और उसे लगाया तो गया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को मारने के लिए, पर इवेंचुअली शायद वो इसी टीम को ज्वाइन करेगा। एडम वॉरलॉक कॉस्मिक स्केल पे काफी पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मार्वल के सबसे इंटरेस्टिंग सुपर हीरो में से एक गिना जाना चाहिए, और इसी हीरो की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी, और शायद हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो इवेंचुअली इस टीम को ज्वाइन करता है, जो देखना अगेन इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 12, नोवा। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से एडम वॉरलॉक के अलावा भी एक सुपर हीरो है जिसका राइज सिनेमैटिक यूनिवर्स और बिग स्क्रीन पे होने वाला है, और वो सुपर हीरो है नोवा। तो कॉमिक्स में रिचर्ड राइडर के नोवा की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जेंडर के डिस्ट्रक्शन के साथ वो आखिरी बचा हुआ कॉप मेंबर होता है, तो जेंडर का सुप्रीम इंटेलिजेंस अपने आप को उसके हेलमेट में ट्रांसफर करता है जिससे उसे पावर्स मिलती है। और मूवीज में भी थैनोस ने पावर स्टोन को लेने के लिए जेंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस स्टोरी को मूवीज में भी फॉलो किया जा सकता है, पर मे बी इस बार वो रिचर्ड राइडर का नहीं बल्कि सैम अलेक्जेंडर का नोवा हो, जो कि अर्थ से बिलोंग करता है, कंपेरेटिवली एक यंग कैरेक्टर है, और वो अर्थ पे था इसीलिए बच गया, और सुप्रीम इंटेलिजेंस अपने आप को उसी के हेलमेट में अपलोड करेगा। और हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की थर्ड मूवी इस टीम की आखिरी मूवी है, और फिर बचे हुए मेंबर्स नोवा की सोलो मूवी में दिखेंगे। नोवा के कैरेक्टर को लेकर सोलो मूवीज भी प्लान की जा चुकी है, और इवेंचुअली ये कैरेक्टर भी यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेगा, जो कि इस टीम के लिए एक अच्छा एडिशन होगा। नंबर 13, ब्लेड। तो ब्लेड अगेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आने वाले मिस्टिकल एरा में मार्वल को ज्वाइन करेगा, और हाँ, ब्लेड मार्वल की कॉमिक्स का भी एक वेल नोन कैरेक्टर है, इतना वेल नोन कैरेक्टर की मार्वल की मूवीज बनी थी। उससे पहले ब्लेड के कैरेक्टर को लेकर एक ट्रायोलॉजी बन चुकी है, ये मूवीज पुरानी है पर अच्छी है, और अब मार्वल ने इस कैरेक्टर को लेकर एक मूवी अनाउंस कर दी है जो कि बिल्कुल फ्रेशली इस कैरेक्टर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करेगी। पर अगेन यहाँ पे ब्लेड का रोल वही महर्षला अली प्ले करने वाला है जिन्होंने पुरानी ट्रायोलॉजी में ब्लेड के रोल को प्ले किया था।
और बिल्कुल शैंगची की तरह ही ब्लेड भी अपने इंट्रोडक्शन के साथ एमसीयू में एक नई थीम को लेकर आएगा, जिसमें हमें वैम्पायर्स और पैरानॉर्मल क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, देर आर अनाउंसमेंट्स कि मार्वल अपनी कॉमिक्स की मिडनाइट सन्स टीम को एमसीयू में ला रहा है, और इस टीम के मेंबर्स है डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, ब्लेड, घोस्ट राइडर, डेयरडेविल और पनिशर। तो अगर ये टीम एमसीयू में आ रही है तो मार्वल अपने मिस्टिकल साइड की ओर हैविली फोकस करने वाला है। नंबर 14, फैंटास्टिक फोर। तो मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की टीम को लेकर भी मूवी अनाउंस कर दी है। अब इसकी रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं की गई, पर ब्लेड की तरह ही वो शायद 2023 के एंड में या फिर 2024 में हमें देखने को मिलेगी। और हाँ, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की तरह ही फैंटास्टिक फोर की भी घर वापसी हो चुकी है, क्योंकि मार्वल और फॉक्स की डील कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे मुझे फैंटास्टिक फोर को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये टीम है ही ऑसम। और साथ में हमें देखने को मिलेंगे और भी कहीं सारे कैरेक्टर्स जो कि इस टीम के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, डॉक्टर डूम और भी कहीं सारे कैरेक्टर्स। नंबर 15, आयरन हार्ट। तो आयरन हार्ट के कैरेक्टर को लेकर भी मार्वल ने एक टाइटल अनाउंस किया है, जो कि एक सीरीज होने वाली है। आयरन हार्ट रीरी विलियम्स नाम की एक लड़की होती है, जो कि आयरन मैन के सूट को रेप्लिकेट करती है। यही कैरेक्टर एमसीयू के फ्यूचर में टोनी की आर्मर की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा, वो यंग एवेंजर्स को भी ज्वाइन करेगी। और इस सीरीज में हमें आयरन मैन की डॉटर मॉर्गन स्टार्क दिखेगी, आयरन मैन 3 का वो लड़का दिखेगा जिसका नाम हार्ली कीनर है, जो कि टोनी के फ्यूनरल में भी हमें दिखा था, और शायद वो आयरन लेड नाम के एक सुपर हीरो को प्ले करेगा। ऐसा लग रहा है कि वॉर मशीन के कैरेक्टर को फोकस में रख के जो आर्मर वॉर्स नाम की सीरीज बनने वाली है, आयरन हार्ट की सीरीज उससे भी काफी कनेक्टेड होगी। ऐसे हैवी स्पेकुलेशंस है कि इस सीरीज में टोनी स्टार्क को एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजरेक्ट किया जाएगा। तो भाई, चीजें तो बड़े स्केल पे प्ले आउट करने वाली है। तो इस वीडियो को तो यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, अवेंजर्स एंड गेम के वक्त कहीं सारे लोगों ने ऐसा सोचा था, इंक्लूडिंग मी, कि एंड गेम शायद अवेंजर्स की टीम का भी एंड होगी, पर ये बात पूरी तरीके से गलत है। एक्चुअली ये तो बस बिगिनिंग है एक नए ग्रेटर यूनिवर्स का, जहाँ पे हमें न्यू अवेंजर्स दिखाए जाएंगे, जिसमें हमारे पुराने अवेंजर्स के साथ फैल्कन, शी-हल्क, जेन फॉस्टर, शैंग-ची जैसे नए अवेंजर्स होंगे। हमें मिस्टिकल अवेंजर्स जैसी टीम भी दिखाई जाएगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मिडनाइट सन, जिसमें घोस्ट राइडर, ब्लेड, मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स होंगे। हमें यंग अवेंजर्स दिखाए जाएंगे, जिसमें हमें वीकन और स्पीड जैसे कैरेक्टर्स, साथ में मिस मार्वल, नोवा और भी कहीं कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है, जैसे कि माइल्स मोरालिस या फिर ऑसम हल्क। वैसे ऐसे ही 3 कैरेक्टर्स के बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, वीडियो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। तो और भी कहीं कैरेक्टर्स, कहीं टीम देखनी बाकी है, और अवेंजर्स का फ्यूचर तो अभी ही ब्राइट है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।